है, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है पोस्को। पोस्को का मतलब आप समझते हो किस किस मामले में पोस्को? नहीं, पोस्को एक रूल एक कायदा बनाया है गवर्नमेंट ने, इसको मैं चार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पोस्को ये ऐसा कायदा है जो 18 साल से नीचे जिसकी उम्र है, लड़का या लड़की, लड़का या लड़की अगर 18 साल से नीचे कोई गुनाह करता है तो उसको अंतर्गत उसको सजा मिलती है। वे सजा किस टाइप की है और वो सजा अच्छी भी है बुरी भी है, देखो हर एक पहलू को मतलब पॉइंट को दो पहलू होते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। फिर मैं अच्छी बात बताना चाहूँगा। अभी पोस्को में अच्छी बात कौन सी है? मान लो एक गुनाह करता है लड़की अगर 18 साल से नीचे है और लड़का 18 से ऊपर है और वहाँ पे कुछ घटना घटती है, कुछ घटना मतलब आप समझ लो, ओके, वो घटना घटती है, छेड़छाड़ अगर कोई करता है लड़की के साथ में, गलत हरकत करता है, उसको छूता है, टच करता है उसको, तो फिर उसके बारे में अगर वो गुस्से से देखता है, वो लड़की ने कंप्लेंट किया कि इसने मुझे गुस्से से देखा, तो वो गुस्सा उस लड़के को लग जाता है क्योंकि वो 18 साल से ऊपर है और ये इतनी कड़ी सजा है, उसको फांसी भी हो सकती है अगर कोर्ट उम्र कैद की सजा है। हाँ, अगर कोर्ट में अगर क्यू होता है तो ये लड़का नाबालिग है, लड़के नाबालिग है, लड़का बालिग है और उसने क्यू किया, तो भी क्या करेंगे हम लोग, डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारा जो भी है उसका जन्म तिथि जो डेट है, तो अगर क्यू हुआ तो उस लड़के को फांसी भी हो सकती है, ये कोई अच्छी बात है। इस पर दूसरी कोई बात क्या है, हम लोग अपनी जाति दुश्मनी निकालते हैं कभी कभी, ऐसा भी होता है पड़ोसी से झगड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसका गलत फायदा होता है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है कि अगर आपके बच्चे आपके पास अंदर लेकर आते हैं अभी ऐसा हुआ है तो आप पहली तरह उसको जांच लो सही है या गलत है। तो आपके पास बात कभी आएगी, पहले हम लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए ये यहाँ पे आपस में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस के बाद वो हमारे पास आएंगे, बनियापा के पास आएंगे, सर के पास आएंगे, फिर हम लोग उस पर गौर करेंगे भाई ये बात सही है या गलत है। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानता हम लोग उसको समझाएंगे, नहीं मानता है हम लोग उसको पुलिस के हिसाब से समझाएंगे, फिर भी नहीं मानता है बात आपके पास आएगी।